इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक ओर होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारत? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आधार क्या है, किन मुद्दों पर जनता से आप जो वादे कर रहे हैं उसका कहीं कोई प्रमाणिक दस्तावेज है या नहीं? देखिए, मैं अभी आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब अभी तक हमारे हाई कमांड ने ऐसी कोई बात नहीं करी है तो मैं भी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगी। अच्छा कुसुम जी, ये बताइए कि मुकाबला किससे है आपका अंबाला में, क्योंकि कल बीजेपी के उम्मीदवार रतनलाल कटारिया साहब इसी कार्यक्रम में थे और वो ये कह रहे थे कि अंबाला में अब केवल घोषणा बाकी है, एक तरह से जनता ने तय कर लिया है कि वहां नतीजा क्या होना है। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मैं अपना मुकाबला किसी से भी नहीं मान रही हूं। हमारी जो पार्टी है आज बहुत मजबूत दौर में यहाँ पर खड़ी है और मेरे सामने मैंने अपने आप को ही बिल्कुल सशक्त कैंडिडेट मान रखा है और मैं आप लोगों के बीच में दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सीट हमारी विनिंग सीट है। मैं अपने आगे किसी को भी, कटारिया जी को तो बिल्कुल भी नहीं मान रही हूँ और जो दूसरे नेता हैं वो तो वैसे ही किसी लाइन में नहीं आते हैं। पिछला चुनाव आपने गठबंधन में ही लड़ा था तो कटारिया साहब दूसरे नंबर पे रहे थे। लेकिन वो आप उनका फिर वोट बैंक उठा करके देख लीजिएगा कि कटारिया साहब किसके माध्यम से जीते थे। वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही ने ही उनको जिताया था, उनका अपना कोई कुछ ऐसा कोई वजूद नहीं है। अच्छा कुसुम जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हुड्डा ये कह रहे हैं कि चुनावों के बाद इनेलो खत्म हो जाएगी, आपको लगता है कि चुनावों के बाद अगर परिणाम अच्छे नहीं रहे तो वाकई पार्टी का जनाधार नीचे जा सकता है? ये तो हुड्डा साहब से ही आप पूछ करके देखना कि खत्म किसने होना है। मैं इस लेवल पे मैं मुख्यमंत्री वाली बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी हूँ एमपी के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब ना ही दूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा कुसुम जी, आप महिला हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर रहती हैं, ये बताइए कि राजनीति और परिवार इन दोनों में संतुलन कैसे बिठाती हैं, कैसे बनाती हैं? परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं और राजनीति को कितना वक्त देते हैं, कैसे बनता है ये संतुलन कुसुम जी? मैं अपने परिवार को भी बराबर का टाइम देती हूँ, पार्टी में भी बराबर का टाइम देती हूँ, जहाँ कहीं भी संगठन में जरूरत होती है वहां पर भी बराबर का टाइम देती हूँ। संतुलन तो बिठाना पड़ता है, क्योंकि एक मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते घर की जिम्मेवारी जो महिला उठाती है वो समाज की जिम्मेवारी भी उठा सकती है, देश की जिम्मेवारी भी उठा सकती है। जब और महिलाएं देश की जिम्मेवारी उठा सकती हैं तो मैं भी उन्हीं महिलाओं में से हूँ, चाहे उसमें चाहे सोनिया गांधी हो चाहे कोई और हो। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज महिलाओं की जो वोट है वो 49% वोट है, जो सरकार गिरा भी सकती हैं और सरकार बना भी सकती हैं। बहुत सही, लेकिन आप जानती हैं कुसुम जी, जितनी बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश की उन सब ने मिलकर सिर्फ 3 महिला उम्मीदवार उतारी हैं, एक आप हैं, एक श्रुति चौधरी हैं और एक बलविंदर कौर हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए आप जीत जाती हैं अंबाला सीट से तो महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगी? जी महिलाओं के लिए तो जी इतना कुछ करने के लिए है, क्योंकि मैं पूरी इस लोकसभा सीट पे घूम आई हूँ। आज मेरी माताएं बहनें जितनी परेशान हैं, दुखी हैं, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा का स्तर जो है वो गांव में इतना नीचे गिरा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी बच्चियों के लिए, जिनको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करना चाहती हूँ। अपनी माताओं बहनों के लिए,
जिनके बच्चे बेरोजगारी में घूम रहे हैं, उनके लिए भी ऐसे कोई सेंटर वगैरह की व्यवस्था करना चाहती हूँ जिससे वो भी अपनी कोई कमाई का साधन बना सके और उनके बच्चों को भी रोजगार दिलवाने का काम करना मेरा एक मेन मकसद है कि आज जो हमारा नौजवान है वो इधर उधर भटक रहा है। आज हमारे बच्चे जिस तरह से पढ़ाई लिखाई करके घूम रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए कोशिश करूंगी। कोशिश तो नहीं, अगर आपने पूछा कि अगर आप जीत जाती हैं जी। तो मैं अपने उन नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगी कि हमारी इस लोकसभा सीट पर एक शिवालिक तलहटी है जो कालका से इधर नारायणगढ़ तक का एरिया जो आता है उसको शिवालिक तलहटी बोला जाता है। तो वहां का एक एरिया ऐसा है जो हर बार ये कांग्रेस की सरकार भी यही कहती थी कि यहाँ पर यहाँ फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, लेकिन अभी तक वो सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक ना सर्वे हुआ। लेकिन मैं, अगर आपने जैसे मेरे से क्वेश्चन किया है जी, कि अगर आप जीत जाती हैं तो मैं सबसे पहले वहां पर ऐसी कोई फैक्ट्रियों की व्यवस्था करूंगी जहां से रोजी रोजगार का साधन बच्चों को उपलब्ध हो सके। तो कुसुम जी, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में जाएंगे और आप विजय श्री हासिल करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल मान रही हूँ कि मैं यहाँ से विजयी कैंडिडेट हूँ, क्योंकि आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। आज जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे को हम बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, सब पार्टियां छोड़ छोड़ कर आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका कारण क्या है? आज बीजेपी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, वो उधार के कैंडिडेट लेके, कांग्रेस के निकाले हुए कैंडिडेटों को लेकर के तो वो चुनाव लड़वा रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं जी हम सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ तो मिलीजुली सरकार इनकी आपस में चल रही है, तो आप लोग बताइए कि ये बीजेपी अलग है या कांग्रेस अलग है? दोनों की मिली भगत है। और हमारे यहाँ अंबाला सीट से विनोद शर्मा जी पार्टी छोड़कर के चले गए हैं, आज उसका कार्यकर्ता भटक रहा है, उन्हें कोई भी जगह नहीं मिल रही कि वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, किसके पास बैठे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे नेता जब इधर उधर चले गए हैं तो हम कहाँ जाएं। तो आज हमारे को भारी समर्थन मिल रहा है, दूसरी पार्टियों के भी वोटर हमारे पास टूट टूट के आज कम से कम भी हर दिन मैं 150-200 लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराती हूँ। बीएसपी के लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, बीजेपी के भी हो रहे हैं, कांग्रेस के भी हो रहे हैं। तो दूसरों का आपकी पार्टी में आना आपको अच्छा लग रहा है और बीजेपी में जाना आपको काफी मतलब दिक्कत दे रहा है कि वो भगोड़े के और या उधार के उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्यों? नहीं, दूसरों की पार्टी में जाने की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं वोटर्स की बात कर रही हूँ। जो वोटर है, आज जो वोटर होता है वो पार्टी का जो बेस होता है, लेकिन आज वोटर को ही अपने बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा। मैं उन वोटरों के लिए कह रही हूँ कि हमारी पार्टी में हर किसी कार्यकर्ता की बहुत कदर की जाती है, इसीलिए वो लोग पार्टी से, दूसरी पार्टी से अगर वो निकाले नहीं हुए हैं, वो लोग खुद छोड़ छोड़ करके हमारे पास आ रहे हैं कि हमें भी आप लोगों की पार्टी के साथ जुड़ना है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुसुम शेरवाल जी 14 के चक्रव्यूह में आने के लिए और तमाम सवालों का सामना करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो 14 के चक्रव्यूह में ये थी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कुसुम बाला शेरवाल। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ इसी तरह हम चक्रव्यूह में फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।